हेलो एवरीवन, आई एम पूजा सोनी। वेलकम टू पूजास कैसल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेल आर्ट्स, 5 डिफरेंट नेल आर्ट्स जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं केवल मैच स्टिक से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मुझे बताना आपको कौन सा नेल आर्ट ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थंब के नेल आर्ट से। ये थोड़ा फंकी नेल आर्ट है। मैंने व्हाइट कलर का बेस किया है और ऊपर से 4 कलर के मैंने अलग अलग नेल पेंट्स रखे हैं, जिनसे मैं अपने बेस नेल पेंट पे डॉट्स क्रिएट करूंगी। अब बार बार तो नेल पेंट की बॉटल्स खोलेंगे तो वो तो सूख जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ निकाला है। जिन जिन नेल पेंट्स के हमें डॉट्स बनाने हैं उसके 2-2 ड्रॉप्स मैंने इस प्लास्टिक के ढक्कन पे रख लिए हैं, इससे मुझे डॉट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। तो ये आप भी कर सकते हैं। फिर मैंने मैच स्टिक ली है और उसमें से मैंने इसमें डॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, छोटे बड़े, और इसमें आप नेल पेंट्स भी अपनी चॉइस के ले सकते हैं। और देखा आपने कितनी इजीली ये अच्छा सा नेल आर्ट बन गया है। तो बाकी के नेल आर्ट्स के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी देती जाऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ओके। सेकेंड नेल आर्ट के लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर की नेल पेंट लगा ली है एज अ बेस और उसे सूखने दिया है। और जब तक वो सूख रही है तब तक मैंने दूसरे नेल आर्ट की भी तैयारी कर ली है। और दूसरी फिंगर पर मैंने टील ब्लू कलर का नेल पेंट एज अ बेस लगाया है। फिर मैंने व्हाइट कलर की नेल पेंट ली है और उसे भी 1-2 ड्रॉप बाहर निकाल के रख लिया है। फिर मैंने इससे एक फ्लावर बनाया है जो कि आपके ट्रेडिशनल लुक के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके लिए आपको साइड में एक डॉट क्रिएट करना है और उसके अगल बगल आपको 4-5 डॉट्स और बनाने हैं, एक फ्लावर का शेप देना है। फिर आपको अपने नेल लेंथ के अकॉर्डिंग 2-3 फ्लावर्स ऐसे ही बना लेने हैं। आप बताओ आपको ये वाला कैसा लगा। अब हमारा तीसरा बेस भी सूख गया है तो हमने उस पर भी नेल आर्ट करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ईजी। इसमें आपको पहले 3 डॉट्स बनाने हैं, फिर 2 डॉट्स, फिर 1 डॉट। और लुक एट द नेल आर्ट, है ना प्रिटी। तो बिना मेहनत के और बिना किसी टेंशन के आप इतनी आसानी से इस नेल आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और दिखने में भी कितना सुंदर है ना। तो अब भाई पार्टी वालों के लिए भी थोड़ा नेल आर्ट कर लिया जाए, तो उसके लिए मैंने ब्लैक नेल पेंट एज अ बेस लगा लिया है और फिर मैंने पिंक नेल पेंट को भी एज अ बेस लगा लिया है क्योंकि दोनों साथ में सूखे। फिर मैंने ये एक ग्लिटर वाली नेल पेंट ली है जो कि रोज गोल्ड में है, और नेल्स के ऊपर साइड में मैंने थोड़ा सा उसे लगा लिया है और मैच स्टिक की बैक साइड से मैंने उसे स्प्रेड किया है, तो यहाँ पर थोड़ी लाइंस क्रिएट हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो है ना ये एक पार्टी स्टाइल नेल आर्ट जिसे आप बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं, है ना। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। लो बातों बातों में तो लास्ट नेल आर्ट पर आ गए हम। तो यहाँ पर मैंने टील ब्लू कलर को ही लिया है और उसे साइड साइड से अप्लाई किया है जिससे एक एंगुलर लुक मिले, और फिर व्हाइट कलर के नेल पेंट से मैंने यहाँ पर 2 डॉट्स बना लिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ नेल आर्ट्स। इनमें से कौन से आपको ज्यादा पसंद आए हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बारी है टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहली बात, अगर आप कोई डार्क नेल पेंट एज अ बेस लगाने वाले हैं तो उसे अच्छी तरह से सूख जाने दें, नहीं तो उसका कलर आपके लाइट कलर के नेल आर्ट्स पर आ जाएगा। और सारे नेल आर्ट्स के बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जरूर लगानी है। और जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो साइड में भी हमारे स्किन पे भी नेल पेंट लग जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए हम एक क्यूटिप लेंगे और उसे नेल पेंट रिमूवर पर डिप करके आसानी से साइड के नेल पेंट को हटा देंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।